डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवीज के अंदर कई सारे कैमियोस थे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने सबको हैरान किया और ये था जॉनी स्ट्रॉम। जॉनी को प्ले किया है क्रिस एवांस ने। फैंटास्टिक फोर के इस ह्यूमन टॉर्च को हम पहले ही फैंटास्टिक फोर मूवी में देख चुके हैं। क्रिस एवांस ने इस रोल को बहुत बेहतरीन ढंग से निभाया था। इसके बाद क्रिस एवांस हमें एमसीयू में कैप्टन अमेरिका के रोल में नजर आए और अब इस डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में ह्यूमन टॉर्च फिर से देखने को मिला और इस कैरेक्टर को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी दिया गया। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ह्यूमन टॉर्च को फिर से देखा और ये सीन पूरा डेडपूल का एक मेटा ह्यूमर है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन एक तरह का जोक है, लेकिन हम जानते हैं कि इस सीन की अहमियत क्या है, इसलिए आज हम इस वीडियो का अच्छे से ब्रेकडाउन करेंगे। क्योंकि अगर एक भी फैंटास्टिक फोर का मेंबर वॉइड में है तो इसके यूनिवर्स के बाकी फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम गैलेक्टस का वजूद भी कहीं जिंदा होगा। साथ ही ये चीज कैसे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को डिफाइन करती है, एक एक कर सब पर बात करेंगे और शुरुआत करते हैं क्लासिक ब्रेकडाउन की। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अवेंजर सीक्रेट्स वॉर तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि लाइक बनता है। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सीन की शुरुआत होती है डेडपूल से, जो टीवीए में है और फोर्थ वॉल तोड़ते हुए वो हमसे कह रहा है कि फेक न्यूज की वजह से लोगों को ये लगता है कि जॉनी स्ट्रॉम उसकी वजह से मरा है। यह डेडपूल उस टाइम की बात कर रहा है जब डेडपूल ने मूवी के अंदर ये बताया था कि उसने कैसेंड्रा नोवा के लिए कौन कौन से प्यारे शब्द निकाले हैं, क्योंकि इसी ही अमृतवाणी से जॉनी स्ट्रॉम मारा गया था। यहाँ पर जो डेडपूल पोस्ट क्रेडिट सीन में कर रहा है, मतलब टीवीए में जाकर अपने आप को सही साबित करना, वो भी फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए, ये डेडपूल का एक कॉल बैक है जो हमें बताता है कि कैसे डेडपूल रियलिटी को देख सकता है। साथ ही डेडपूल का ये कारनामा ये भी समझा रहा है कि वो अपने ही मूवी और कहानी का क्रिएटर है, क्योंकि अगर आपने डेडपूल 2 में डेडपूल के उन डायलॉग्स पे ध्यान दिया होगा जो फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए सीधा उन सामने वाले कैरेक्टर के अस्तित्व पे सवाल उठा देते हैं, जैसे केविल को थैनोस बोल देना, डुपेंदर के डायलॉग को उसी के साथ कहना और अब केविन फाइगी, डिज्नी, मार्वल और बाकी सारे कैरेक्टर्स को एक रियल वर्ल्ड जैसा रेफरेंस देना। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर डेडपूल ने सब यूं ही क्रिएट किया हो, क्योंकि अगर डेडपूल ही सब कुछ क्रिएट कर सकता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत, या क्या असली है या क्या नकली। फिलहाल आगे डेडपूल टीवी के उसी मॉनिटर पे वीडियो चलाता है जब वो वाइड में थे और डेडपूल वुल्वरीन भी पिंजरे में थे और इन्हीं के साथ जॉनी स्ट्रॉम भी था। यह जॉनी एके ह्यूमन टॉर्च पूरी तरह से पागल है कैसेंड्रा नोवा पर। जॉनी बताता है कि कैसेंड्रा नोवा कितनी पावरफुल है और सब लोग उसके पावर से डरते हैं और यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही हैं वो अलग लेवल की आर रेटेड हैं, मतलब बहुत ही बल्गर हैं। और यही बातें सेम टू सेम डेडपूल सामने बक देता है और यही कारण बनती है जॉनी स्ट्रॉम की मौत का। यहाँ डेडपूल इस क्लिप को प्ले करके ये बता रहा है कि उसकी वजह से जॉनी स्ट्रॉम नहीं मरा है, बल्कि उसने सच में ये सब बोला है। लेकिन डेडपूल भाई साहब, ये कैसा जस्टिफिकेशन है? इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज नोटिस करने वाली है, जैसे यहाँ पर डेडपूल जिस तरह से टाइम पैड को बंद करता है वैसे ही पैराडॉक्स करता है मूवी में। दूसरा, यहाँ दिखने वाला जॉनी स्ट्रॉम बहुत ही अलग है, क्योंकि जो हमें पिछली फैंटास्टिक फोर मूवी में जॉनी स्ट्रॉम देखने को मिला था उस फैंटास्टिक फोर का कॉस्ट्यूम काफी अलग था, क्योंकि जहाँ फैंटास्टिक फोर मूवी में 4 लिखा गया है वो जॉनी के लेफ्ट साइड में था, लेकिन अगर आप यहाँ पर डेडपूल एंड वुल्वरीन में जॉनी स्ट्रॉम को देखोगे तो लगभग ये 4 लिखा हुआ सेंटर के पास ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमें ह्यूमन टॉर्च देखने को मिला है वो किसी दूसरे यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर का है और जो फैंटास्टिक फोर जो हमने मूवी देखी थी उसके सभी मेंबर एक साथ हैं या जा चुके हैं, क्योंकि जहां तक हमें याद है कि गैलेक्टस उनके सोलर सिस्टम में आ गया था और सैटर्न प्लेनेट को खत्म करते हुए वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था, तब तक फैंटास्टिक फोर के चारों मेंबर अर्थ पर मौजूद थे। और यहां पर मैं इस फैंटास्टिक फोर मूवी का रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इन्हीं फैंटास्टिक फोर की कहानी जुड़ी हुई है इस ह्यूमन टॉर्च से। भले ही वो दूसरे यूनिवर्स में हो या ब्रांच टाइमलाइन में, उनकी कहानी वैसी होनी थी जैसा हमने दोनों फैंटास्टिक फोर मूवी देखी है। और मूवी के अंदर हमें ये भी नहीं बताया कि जॉनी स्ट्रॉम वाइड में कैसे आया और उसका नेक्सस पॉइंट क्या रहा है, इसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन अब ये चीज सामने आ गई है तो इस पर भी एक थ्योरी आती है कि जब सेक्रेट टाइमलाइन मौजूद थी और जिस पर पूरी तरह से ह्यू रिमेंस का कंट्रोल था, तब इस सेक्रेट टाइमलाइन में हर एक फैंटास्टिक फोर की ये कहानी रही होगी कि वो कभी यूनाइट नहीं हो पाए और गैलेक्टस की वजह से उनका यूनिवर्स खत्म हो गया, और ऐसा हुआ भी। वही इसके अलग जॉनी ने कुछ ऐसा कांड किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से ब्रांच टाइमलाइन बनी और टीवीए ने जॉनी को पकड़कर वॉइड में डाल दिया। और यहाँ पर जो मैंने सेक्रेट टाइमलाइन वाली बात की है फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड, मुझे लगता है कि आने वाली जो हमारी फैंटास्टिक फोर मूवी है, जो एमसीयू की पहली फैंटास्टिक फोर मूवी होगी, वहाँ इस चीज का यूज किया जाएगा। क्योंकि सेक्रेट टाइमलाइन में मल्टीवर्सल ट्री बनने के बाद फैंटास्टिक फोर अब एमसीयू में आ रहे हैं, जिसकी वजह से गैलेक्टस भी वजूद में आएगा और डॉक्टर डूम भी वजूद में आएगा। तो अब इस चीज को जरा ध्यान से समझना, मैं एक बहुत बेहतरीन थ्योरी देने वाला हूँ कि अगर ह्यूमन सेक्रेट टाइमलाइन को बचा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि वो कैंग के वेरिएंट्स को पैदा ना होने दे, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है? मेरे लिए तो यही बेहतर ऑप्शन रहेगा कि मैं कैंग के फादर को उस टाइम तक जिंदा ना रहने दूं जब वो कैंग को पैदा करे, मतलब मैं कैंग के बाप के ही वजूद को ही खत्म कर दूं, तो कैंग तो होगा ही नहीं। इसलिए सेक्रेट टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर की
कहानी को ऐसे रखा गया है कि फ्यूचर में कभी फैंटास्टिक फोर यूनाइट नहीं हो पाएंगे और ना ही फैंटास्टिक फोर से डॉक्टर डूम का वजूद सामने आएगा, क्योंकि कैंग द कॉन्करर के फादर की बात करें तो कॉमिक्स में वो मिस्टर फैंटास्टिक एके रीड रिचर्ड्स या डॉक्टर डूम है। और यहाँ इसके दो फादर क्यों है इसके बारे में कैंग ने खुद ही नहीं बताया है, क्योंकि कॉमिक्स में वो खुद पर एक बार ये टेस्ट कर रहा था कि वो किसकी औलाद है, तब उसने उस चीज को सामने नहीं आने दिया। और उसका जिस तरह का और कैंग का जिस तरह का एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से उसने डॉक्टर डूम को ही अपना फादर माना था, तो इसलिए कैंग द कॉन्करर मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम से काफी लिंक करता है। और जैसा मैंने कहा कि ह्यूमंस प्रोटेक्ट करना चाहता था सीक्रेट टाइमलाइन को, इसकी वजह से कोई भी कैंग के वेरिएंट पैदा ना हो, तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से रीराइट कर सकता है। और उसने ऐसा ही किया था जब तक लोकी ने मल्टीवर्सल ट्री नहीं बनाया था। और अब जब मल्टीवर्सल ट्री बन गया है तो इसी टाइमलाइन के किसी कोने में 1960 में फैंटास्टिक फोर पैदा हो रहे हैं, और इसी की वजह से आगे कैंग द कॉन्करर का भी वजूद आया है। और जो हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स देखी है वो सब कहानी तो आप समझ ही रहे हो कि मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ। इसके अलग अगर हम इस थ्योरी को साइड में रखें तो ये पूरा पोस्ट क्रेडिट सीन ह्यूमन टॉर्च पर ही था, लेकिन इसकी जरूरत ही क्या थी एमसीयू को। हमें वो अवेंजर द कैंग डायनेस्टी, कैंग, अवेंजर सीक्रेट्स वॉर, डॉक्टर डूम, किंग थैनोस या बियॉन्डर जैसे कैरेक्टर्स का भी रेफरेंस दे सकता था, पर ऐसा एमसीयू ने क्यों नहीं किया? तो मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमने पूरी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखी है वो अपने आप में ही मार्वल के आने वाली फ्यूचर मार्वल मूवीज की एक झलक थी, क्योंकि जिस तरह से कैमियोस को हमें दिखाया गया और जो हम पिछली मूवीज एमसीयू की देखते हुए आ रहे हैं, उन सबको एक बेहतर स्टोरी लाइन के साथ दिखाना, ये सब एमसीयू का अब तक का सबसे बढ़िया काम था। आप एक ढंग से ये भी कह सकते हैं कि हमने एक तरह से सीक्रेट्स वॉर का प्रिलूड देख लिया है। सदियों पुराने कैरेक्टर्स को कैसे एक साथ एक समय पर और एक जगह पर लाना, ये हल्का काम नहीं है, थैंक्स टू वुल्वरीन और टीवीए जिन्होंने ये सब पॉसिबल किया है। दूसरी तरफ इसी साल कॉमिक कॉन 28 जुलाई में बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है, जहां अवेंजर द कैंग डायनेस्टी के टाइटल को अनाउंस किया जाएगा, साथ ही कैंग के रिकास्ट के बारे में भी पता चलेगा और बाकी जितनी भी कास्टिंग रह गई है अवेंजर्स के लिए उनको भी डिक्लेयर किया जाएगा। आई होप हमें अवेंजर 5 और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के बीच में एक और अवेंजर्स मूवी देखने को मिल जाए। तो ये सब होगा 28 जुलाई को, इसलिए पोस्ट क्रेडिट की ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं, और इस चीज की फिक्र ज्यादा करते हैं कि इस बार कॉमिक कॉन में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। लास्ट बार कॉमिक कॉन 2022 में हुआ था, जहां फिर से मार्वल की हाइप ने पीक पकड़ लिया था। एनीवे, फाइनल टेक मेरा पोस्ट क्रेडिट सीन पर ये है कि डेडपूल सच में डेडपूल है, उसे ह्यूमन टॉर्च को मरवाना नहीं चाहिए था। और हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज बताना और भी भूल गया कि इस पिंजरे में जहाँ ये डेडपूल, वुल्वरीन और ह्यूमन टॉर्च हैं, यहाँ पर कैमरा कैसे आया? क्या ये कैमरा केविन है जिसको हमने शी हल्क में देखा है, या ये एक तरह की डेडपूल की फैंटेसी दुनिया है जो डेडपूल ही जानबूझकर क्रिएट करता है दूसरे वाले को दिखाने के लिए? अगर आपको अमेजिंग स्पाइडरमैन एनिमेशन याद होगा जो डिज्नी एक्सडी पर आता था, वहां पर भी हमने डेडपूल को ऐसे ही देखा कि वो अपनी स्टोरी में कैरेक्टर्स को अपने साथ ले जाता है, और कैरेक्टर्स के साथ हम भी वो सब देखते हैं जो डेडपूल दिखाना चाहता है। ये एक तरह की डेडपूल की पावर है जो उसकी फैंटेसी वर्ल्ड दिखाती है। तो शायद एमसीयू में आने के बाद डेडपूल को ये शायद पावर वापस से मिल गई हो। अगर आप लोग डेडपूल को सच में गहराई से और कॉमिक से जानते होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ किस पावर की बात कर रहा हूँ। फिलहाल मूवी बेहतरीन है, और आपको कैसी लगी इस पर अपने थॉट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। साथ ही जल्दी आपको इसका ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा और ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स वाली वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी। इसके अलावा कॉमिक कॉन को भी कवर किया जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और प्लीज यार, चैनल को एक छोटा सपोर्ट देकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल मेरे लिए काफी मायने रखता है, सब कुछ इसी पर निर्भर है। तो प्लीज अपना एक छोटा सा सपोर्ट दे देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।